हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजाज गुड लाइफ। गाइस, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि डर्मा रोलर कैसे वर्क करता है, क्या होता है डर्मा रोलर, तो आज जो मेरी वीडियो होने वाली है इसी से रिलेटेड होने वाली है कि डर्मा रोलर को हम हेयर रीग्रोथ के लिए कैसे यूज़ करते हैं अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो डर्मा रोलर उसमें कैसे काम करता है। तो चलिए फिर मैं फटाफट से आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने रबिंग अल्कोहल ली है। आप ऑनलाइन किसी भी ऐप से, किसी भी साइट से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। 500 रुपीज़ के अंदर अंदर ये मिल जाएगा, क्योंकि हमें डर्मा रोलर की जो माइक्रो नीडल्स होती हैं उन्हें बहुत अच्छे से क्लीन करना होता है यूज़ करने से पहले भी और यूज़ करने के बाद भी, ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके। गाइज, आजकल हेयर लॉस बहुत ही ज़्यादा कॉमन इशू हो गया है और उसे ट्रीट करने के लिए बहुत सारी सर्जरीज भी हो रही है, हेयर ट्रांसप्लांट भी हो रहे हैं, बट एक सिंपल सा प्रोडक्ट मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने इसे यूज़ किया है, उसी के बाद मैं आपके साथ इसका एक रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्कैल्प है, इसका जो मिडल वाला पार्ट है यहाँ पर बहुत ही कम ग्रोथ है हेयर्स की, मतलब इतने ज़्यादा हेयर्स है ही नहीं, ठीक है। और ये जो मिडिल वाला पार्ट है और साइड्स के जो एरिया होते हैं यहाँ पर, मोस्टली आजकल कॉमन देखा जाता है कि बाल जो झड़ते हैं वो मेनली इन्हीं पार्ट्स पे से झड़ते हैं। तो हमें क्या करना है गाइस, डर्मा रोलर को छोटे छोटे पैचेस में ही, मतलब ये जो स्कैल्प का छोटा पार्ट लेना है आपको और उस पर इसे रोल करना है डायगनली, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। आपको 10 टाइम्स इस पर रोल करना है और मेक श्योर कि आपका जो स्कैल्प है जिस पर आप इसे यूज़ करने वाले हो उसको आपने अच्छे से वॉश किया हो, सुखा लिया हो, ताकि कोई भी गंदगी ना हो सर पे। तो फिर अब मैं आपको रोल करके दिखा देती हूँ। 10 टाइम्स इसे रोल करना है। और हाँ गाइस, इसे महीने में 2 बार यूज़ कर सकते हैं आप, और उसके विजिबल रिजल्ट्स आपको मैं इस वीडियो के एंड में दिखाने वाली हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर इसे रोल कर रही हूँ। तो गाइज, इस डर्मा रोलर की जो माइक्रो नीडल्स हैं वो हमारे स्कैल्प में छोटे छोटे पंक्चर्स कर देगी, डीपली जाके पंक्चर्स कर देगी। तो हमारे माइंड को सिग्नल मिलेगा कि यहाँ पर कुछ चोट लगी है, तो ऐसे में हमारा माइंड क्या करेगा, हमारा जो रिपेयरिंग सिस्टम है उसे एक्टिवेट कर देगा, और जो रिपेयरिंग सिस्टम होता है उसमें कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, जो हमारे स्कैल्प में जिस जगह पर हमने डर्मा रोलर को यूज़ किया है वहाँ पर कोलेजन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगेगा। उससे क्या होगा कि जो हमारे जो हेयर के फॉलिकल्स होते हैं, जो फॉलिकल्स होते हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है और उसी से हमारे हेयर्स भी रीग्रोथ होने लगते हैं। तो गाइज, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डर्मा रोलर को हमने महीने में 2 बार यूज़ किया है स्कैल्प पे, और जहाँ पर बिल्कुल भी हेयर्स नहीं थे वहाँ पर न्यू हेयर्स की ग्रोथ हो रही है। तो इसका मतलब ये साफ है कि डर्मा रोलर हेयर रीग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो मेरी तरफ से डर्मा रोलर के लिए 1 लाइक ज़रूर बनता है। अगर आपको मेरी ये ऑनेस्ट रिव्यू वाली वीडियो पसंद आई है तो 1 लाइक ज़रूर करें। अगर आपको भी ऐसा ही कोई इशू है तो डर्मा रोलर को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। साथ ही साथ अपनी डाइट में प्रोटीन ज़रूर लें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं और अपनी बॉडी को, अपने माइंड को फिट बनाएं। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।